हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक कंटिन्यूटी पे एक और क्वेश्चन का है। यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे ना फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कब है कि जब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है। और यहाँ बोला है कि फंक्शन की वैल्यू माइनस वन है इफ एक्स बराबर जीरो। तो हम ना थोड़ा इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो देखो यहाँ मान लो मुझे एक्स बराबर जीरो पे, तो देखो बच्चे जब हम एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या मिल जाए, वन। और देखो बच्चे आप जब देखो इस जीरो के लेफ्ट में और राइट में आ रहे हो, देखो व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जब जीरो नहीं है, यानी कि इसके लेफ्ट में भी और राइट में, तो मुझे फंक्शन यहाँ क्या मिल रहा है बच्चा, तो मुझे फंक्शन मिल रहा है यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेफ्ट आपके लेफ्ट में भी और राइट में भी आपके फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल रहा है। ठीक है, तो देखो आप इसको दो तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ना, आप देखो कि एक्स बराबर जीरो के लेफ्ट में या राइट में क्या फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो भाई देखो हम जब एक्स बराबर जीरो के जब लेफ्ट में और राइट में हम जब देख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन पे मैंने आपको एक बार कहा था कि जब किसी पॉइंट के लेफ्ट या राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम होती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट फाइंड कर लो बस। यानी कि आपको वहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है भाई। अब भाई ना आप अगर चाहो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आप इसको निकाल के सॉल्व कर सकते हो, बट इतना मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स बराबर जीरो के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम है। ठीक बच्चे, तो देखो यहाँ पे हम जब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट देखो एक्स टेंड टू कहाँ पे, देखो मुझे जीरो चेक करना है एफ एक्स की वैल्यू। तो बच्चे आप देखो तो यानी कि देखो तो बच्चे ना इस लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि आप देखो एक्स बराबर जीरो के जब आप लेफ्ट में भी जाओगे और राइट से जब आओगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, देखो तुम्हारा फंक्शन क्या था, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था। हम अगर इसमें एक्स बराबर क्या रखेंगे, जीरो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। देखो तो यहाँ से साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वन, यानी मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस वन। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पे आप अगर फंक्शन की वैल्यू एट जीरो फाइंड करो तो बच्चे आप देखो तो जब आप इसमें एक्स की वैल्यू जीरो दे रहे हो तो आपको फंक्शन क्या मिल जा रहा है, माइनस वन। तो देखो इसलिए आप यहाँ क्या पा रहे हो, यहाँ पा रहे हो कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो क्या मिल जा रहा है, माइनस वन, सेम है। तो जब किसी पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम हो और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट सेम आता है तो हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, यानी कि एक्स बराबर जीरो। तो बच्चों यह था सबसे प्यारा सा नन्हा मुन्ना सवाल, आई थिंक यह आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक ना फिर ख्याल रखिए, जय हिंद।